इंडक्टिव, वी वर टॉकिंग अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट. इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है कि यहाँ पे पोलैरिटी प्रोड्यूस होता है बिटवीन टू एटम्स. पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड इन अ कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड ड्यू टू माइनर डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ज्वाइनिंग एटम्स. यानी कि इन दोनों एटम के बीच में पोलैरिटी प्रोड्यूस होगा, पोलर बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, तो ये पोलर बॉन्ड पोलैरिटी प्रोड्यूस करेगा. ये दो एटम्स हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड होना चाहिए, याद रखें, ये हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है. और जब दोनों कोवैलेंट बॉन्ड होगा तो दोनों में माइनर डिफरेंस होना चाहिए, एक लेस, एक हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव होना चाहिए, एक लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, तभी इन दोनों में पोलैरिटी प्रोड्यूस होगा और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी काम करेगा इन द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ज्वाइनिंग एटम. तो ये हमेशा पोलैरिटी प्रोड्यूस करता है दो एटम के बीच में. तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट काम करना शुरू हो जाएगा. इंडक्टिव इफेक्ट को एरो से रिप्रेजेंटेड, अ स्ट्रेट लाइन एंड एरो इन द मिडिल, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, एंड दिस इज इंडक्शन रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट आई ई. ओके, तो इसमें क्या होता है कि क्लोरीन का, क्लोरीन हम लोग जानते हैं दो दो चार दो छः और एक सात, सेवन इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं. और कार्बन में कितने होते हैं, एक दो तीन चार, टू एंड फोर. इन लास्ट ऑर्बिट वी हैव फोर इलेक्ट्रॉन्स इन द कार्बन, एंड लास्ट ऑर्बिट वी हैव सेवन इलेक्ट्रॉन इन द क्लोरीन, टेन एंड सेवन. सो दिस इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इन कार्बन फोर एंड इन क्लोरीन सेवन, सेवन इलेक्ट्रॉन एंड वन इन कार्बन. सो व्हाट हैपेंड, यहाँ पे क्या होता है कि क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन, सॉरी, दिस एरो विल बी लाइक दिस, ये एरो इस तरह से होगा, क्योंकि जो ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा वो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचना शुरू करेगा, दे विल पुल. जैसे अगर बचपन में आपने अपने रोप वाला गेम खेला होगा कि दो चार बच्चे उधर रहते थे और चार बच्चे उधर रहते और एक रस्सी से खींचते थे, जिन तरफ बच्चे ज़्यादा होते थे उस तरफ के रस्सी गिर जाती थी. उसी तरह से ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है और इसके पास लेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है. सो क्लोरीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा, ठीक है. और ये ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन जो ये इसका क्लोरीन जो है कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को